हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। अंजना भारती के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे फ्रेंड। और आज एक नई दिन की शुरुआत है फ्रेंड। देखिए, मैं सुबह सुबह तैयार हो गई स्नान करके, और आप सोच रहे होंगे मैं इतना कलरफुल ड्रेस में, कहीं गेटअप थोड़ा सा अलग है तो आपको पता चल रहा होगा। मैं आज मिष्टी भी तैयार है तो आपको लग रहा होगा कि ये लोग कहीं जा रहे हैं। जी फ्रेंड, मैं और मिष्टी आज जा रहे हैं मिष्टी के दादी के घर, क्योंकि मिष्टी की दादी का तबीयत 7-8 दिन से ख़राब था। पहले से वो बेटर है, लेकिन जाना भी ज़रूरी है उधर। मैं सोच रही थी जाऊंगी, लेकिन छुट्टी नहीं मिलने के कारण और मेरा काम का शेड्यूल आप लोग देखते ही हैं डेली कैसा रहता है, तो मैं नहीं जा पाई। तो मैं छुट्टी ली हूँ और जा रही हूँ, और ज़्यादा नहीं, 2-3 दिन मैं वहाँ रहूँगी। इसके बाद फिर मेरा आना होगा यहाँ फिर, क्योंकि माँ भी यहाँ पे मेरी अकेले है और यहाँ मोहित और मम्मी रहेंगे, तो इसीलिए मोहित के पापा हम लोग को ड्रॉप करके फिर वो रिटर्न यहाँ पे आ जाएंगे। और चलिए फ्रेंड, तो मेरे इस ब्लॉक में 2 दिन का रहेगा मेरे ससुराल का, तो 2 दिन आप मेरे साथ मेरे ससुराल में चलिए। और मैं अभी मिष्टी तो पराठा भुजिया खा ली है, और मैं मॉर्निंग का ड्रिंक लूँगी शेक, उसको पीऊँगी और फिर यहाँ से निकलती हूँ। इस ब्लॉक में मेरे साथ आप बने रहिएगा फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, हम लोग आज जा रहे थे गोड्डा, तो पूरा जाम कर दिया। उधर पूरा जाम है, और आज एक आदिवासी लड़की का बलात्कार करके उसको फांसी पे लगा दिया है, फांसी पे लटका दिया गया, उसी का पूरा आज बंदी किया गया है। मेन रोड पूरा बंद है, और हम लोग चलो पगडंडी से जा रहे हैं मेन रोड तक, और बाइक नहीं जा पा रही है। फर्स्ट टाइम जा रही है बाइक में, फोर व्हीलर में जाते हैं ना। हाँ, हमेशा ये बोलते हैं फोर व्हीलर में जाते तो आराम से बैठते, तो कभी कभी बाइक का भी मजा लेना चाहिए बेटा। अगर फोर व्हीलर में जाते तो जा भी नहीं सकते ना, बाइक बाइक से निकाल लेंगे। हंसडिया में खाली सोम पापड़े ही फेमस है यहाँ का, ये मिठाई पूरा दुकान देखिएगा खाली सोम पापड़ी का। यहाँ से वहाँ तक खाली सोम पापड़ी का ही दुकान दिखेगा। हम लोग यहाँ एक किलो ले रहे हैं घी वाला सोम पापड़ी, और मिष्टी यहाँ समोसा खाने लगी। देखो नदी, देखो नदी, मंदिर देखो, कितना सुंदर मंदिर है। देखिए ये देखो नदी, देखो मंदिर, देखो कितना सुंदर है। देखो फ्रेंड, फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने सासू माँ के पास, ननद का घर। वो अभी ननद के घर में है, और यहाँ ये पैर धो रहे हैं। चलिए अंदर चलते हैं। मिष्टी अंदर जा चुकी है और हम लोग चलते हैं। चलिए और मिष्टी आते ही यहाँ बैठ गई है, और
मम्मी यहाँ पे लेटी हुई है। अरे वही है ना, जाके मदन वाला के बेटे में पूजा ना है, ये पूजा है पहचानते। और देखिए मिस्टी यहाँ क्या कर रही है, दिखा रही हूँ मिस्टी को कि देखिए बदमाशी शुरू हो गया, हुआ के यहाँ पे इसका बदमाशी पूरा शुरू हो गया। ये टीवी देख रही है, टीवी देख रही है, आते ही बैठी है और टीवी देख रही है यहाँ पे। अभी खाना लग रहा सबका, खाना खाएंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे सलाद कट गया है, मूली गाजर खीरा और बीट, और यहाँ पे चावल लग रहा है, गर्मा गर्म चावल मटन और सलाद। सब खाना खा रहे हैं बैठ के, घर के रख रहे हैं। थोड़ा सा इधर देख लीजिए, मम्मी है और मिस्टी यहाँ आ गई। नॉन वेज है तो नॉन वेज उधर नहीं घुसाते हैं, इधर ही खाना है। अभी मोहित के पापा हम लोग को ड्रॉप करके जा रहे हैं, शाम के 4 बज गए हैं और ये घर निकल रहे हैं दुमका। पापा जी घर का उसमें बुट्टा थोड़ा सा है, खत्म हो गया बुट्टा पापा, ठीक है था घर दे दे ले। हां तो घर ले चुन चुन के दे दे दे, हरियन दे दे किसी को। मतलब पापा जा रहे हैं, जा जा पापा, ठीक उस पार से जाना। मिस्टी यहाँ पे खेलने लगी है शाम में फुआ के। हम रोज शाम को छत में किसी का भी। देखिए फ्रेंड मैं अभी छत में बैठी हूँ अपने यहाँ ननद के यहाँ, सास भी यहीं पे है मेरी, तो मेरा ससुराल गांव और ननद का घर ज़्यादा दूरी नहीं है, यहाँ से गांव तकरीबन 3 किलोमीटर अंदर है और ये मेन गोड्डा मार्केट में है। तो फ्रेंड आई होप आप लोग आज का ब्लॉग इंजॉय किए होंगे, अच्छा लगा होगा। और आज मैं बाइक से इतना दूर से जर्नी करके आई हूँ तो थोड़ा सा थकावट फील हो रहा है, आपको फेस से भी दिख रहा होगा। और दुमका से गोड्डा की दूरी है 65 किलोमीटर, और इतना लंबा जर्नी बाइक से हो गया, और ऊपर से मेरा स्पाइनल जो है प्रॉब्लम है, पेन होता है, तो बाइक में तो जाना हमको अलाव है ही नहीं, लेकिन आज बंदी के कारण मुझे आना पड़ा और बहुत ज़रूरी था आना इसीलिए, नहीं तो फिर अपने 4-व्हीलर से ही आती। तो बाइक से आने से हुआ क्या कि आसानी से पहुँच गए, दिक्कत तो हुई लेकिन फिर भी पहुंच गए, और अगर 4-व्हीलर रहता तो शायद आज नहीं आ पाते, तो आना ज़रूरी था। मैं 2 दिन यहीं पे रुकूंगी और 2 दिन ब्लॉग मेरा यहीं से जाएगा। फ्रेंड आप लोग इंजॉय किए होंगे इस वीडियो को, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मुझे हमेशा मोटिवेट करिएगा और अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। तब तक के लिए बाय।